डूम्सडे हंटर इस सीरीज के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है एक अर्थ की, जिसमें एक पोर्टल ओपन हो गया है। ह्यूमंस ने जब इस पोर्टल को देखा तब उन्हें लगने लगा ये एक गेम है। थोड़ा टाइम बीता, ऐसे ही और भी बहुत सारे पोर्टल्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर दिखाई देने लगे, जिनके अंदर से हजारों संख्या में मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया। ह्यूमंस भी काफी ताकतवर थे, उन्होंने किसी तरह से मॉन्स्टर्स ने फाइट की और डेमन लॉर्ड को मार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, उन्होंने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म किया। लेकिन क्योंकि डेमन लॉर्ड मर चुका था, इसी वजह से एक लड़की शेन को रीइंकार्नेशन की पावर मिली। अब वो टाइम में पीछा चुका है, अपोकैलिप्स आने में एक साल बाकी है। इसी टाइम में शेन को खुद को पावरफुल बनाना है और किसी तरह से मॉन्स्टर्स के अटैक को रोकना है। हेलो एनिमी फैंस, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है डूम्सडे हंटर का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की हेडिंग देखते हैं, शेन एक होटल के अंदर है। शेन से मिलने के लिए योंगहो नाम का एक बंदा आया है। योंगहो शेन से कहता है, मैं जेंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। शेन कहता है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट का कारण क्या है? योंगहो कहता है, एक ग्रुप है जिसका नाम है जीफू। इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि तुम कर रहे हो। तुमने नई नई टेक्नोलॉजी की खोज की है जो कि इस जीफू ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से जीफू ग्रुप तुम्हें मारना चाहता है। बहुत सारे एसोसिएशन भी हायर कर लिए गए हैं, कोई ना कोई तुम पर अटैक करता रहेगा। लेकिन इस सब में मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हारे पास में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तुमने काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की खोज की है। उन सभी टेक्नोलॉजी की मैं बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ, मुझे पता है उनकी कीमत कितनी ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो। जिस तरह के तुम इंसान हो और तुम्हारे बिहेवियर को इन कुछ मिनटों में मैं अच्छे से समझ लिया है, मुझे समझ में आ गया है। अगर कोई भी एसेसिन तुम पर फाइट करने के लिए आएगा तो उसके लिए तुम्हें मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, वो आसानी से तुम्हें नहीं मार पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बैट लगा रहा हूँ। वैसे तो मेरे अंकल भी हैं उन्हीं लोगों में जो तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मैं मेरे अंकल के खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमसे मेरे किसी भी तरह का फायदा होगा तो मैं मेरे अंकल और भी बहुत सारे लोगों से बात कर लूँगा, वो तुम्हें छोटे के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह से मेरा फायदा मतलब तुम्हारा फायदा होगा। तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे टैलेंट की मुझे कदर है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा टैलेंट पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ये सब सुनकर शेन कहता है, तुम बातें काफ़ी अच्छी करते हो, तुम्हारी सारी बातें जैसे मेरे दिल को छू गई है। ये सब सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूंग कहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है इसका मैं क्या मतलब समझूँ? तुम मेरे साथ में मुझे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? शेन कहता है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने कहा कोई एसोसिएशन है जो कि मुझे मारने के लिए आने वाला है, मुझे उसका बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर वो मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं ही उसे मार दूंगा, उससे फाइट करने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर योंग कहता है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें अपने साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में एक और काम है। मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है मैं फाइट में हार जाऊंगा, इसलिए मुझे एक दूसरा काम दिया गया है, बैटलफील्ड क्लीनिंग का। ये कहता है योंगहो अपनी जेब में से एक छोटे से बॉक्स से कुछ निकालता है और फिर उस बॉक्स को जमीन पर गिरा देता है। राय कहता है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बॉक्स है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ सभी तरह के सबूतों को मिटाने के लिए किया जाता है। जब मैं इसे यहाँ पर डाल दूंगा तब इस एरिया के अंदर अगर किसी को मारा जाएगा या फिर किसी भी तरह से कोई भी इलीगल काम किया जाएगा उसका एक भी सबूत नहीं मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी की वजह से उन सारे सबूतों को मिटाया जा सकता है। तभी वो बॉक्स जमीन पर गिरता है, जमीन पर गिरते ही उस बॉक्स का साइज बढ़ाने लगता है। उस बॉक्स के अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। योंगहो ये कहता है, इस बॉक्स को देख रहे हो, काफ़ी शानदार है ना, इस बॉक्स के अंदर हमने काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स डाले हैं। जब तक कोई एसोसिएशन तुम्हें फाइट करने के लिए आता है तब तक तुम चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो। वैसे एक बात है जो कि मैंने तुम्हें बताई नहीं है, उस ब्लड लिस्ट के अंदर तुम अकेले नहीं हो जिसका नाम आया है, तुम्हारे अलावा भी किसी और का नाम उस लिस्ट के अंदर आया है जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। योंगहो की बात सुनते ही शेन थोड़ा सा घबरा जाता है। शेन योंगहो से पूछता है, कौन है वो, तुम किसकी बात कर रहे हो जिसका नाम उस लिस्ट में आया है? योंगहो कहता है, थोड़ा सोचो तो सही, मैंने तुमसे भी कहा ना तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो। चलो छोड़ो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम सुजैन है, इस नाम को भी उस ब्लड लिस्ट के अंदर लिखा गया है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कोई ना कोई एसोसिएशन उससे फाइट करने के लिए चला गया होगा। ये सुनकर शेन बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सुजैन के घर के बाहर से दिखाते हैं। सुजैन के घर के बाहर काफ़ी सारे लोग अजीब तरह से बेहोश पड़े हुए हैं। इन सभी की ऐसी हालत इस आदमी ने की है। इसके पास में एक अजीब सा वायलिन है जिसके अंदर से एक अलग तरह की आवाज़ निकल रही है जिससे इन सभी लोगों की हालत ऐसी हो गई है। इस आदमी के ठीक सामने सुजैन है। सुजैन इससे पूछती है, तुम कौन हो? ये आदमी कहता है, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं ब्लड गैंग का एक किलर हूँ, मेरा नाम क्राउन है। सुजैन कहती है, तो तुम एक किलर हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
एक किलर का इस तरह से मेरे घर के आसपास में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। क्राउन कहता है, मैं किसी की मर्जी से नहीं आता, मैं किलर हूँ और यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ। मुझे लोगों को मारना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे यहाँ पर तुम जैसी ही एक लड़की को मारने के लिए भेजा गया है। ये सुनो सूजन थोड़ा सा घबरा जाती है। वो जोर से लाती है, आंट ली, आंट सू, क्या आसपास में कोई है? लेकिन सूजन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। क्राउन कहता है, चिल्लाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, इन दोनों को मैंने पहले कहीं भी बिजी कर दिया है। इन दोनों के पास भी एक एक किलर गया है। ये दोनों उन किलर से फाइट करने में व्यस्त है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है वो लेडी तो अब तक मर भी चुकी होगी। उस बूढ़े आदमी के अंदर थोड़ा सा दम है तो वो अब तक या फिर अभी थोड़ी देर बाद में ही मर जाएगा। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम भी कुछ ही सेकंड्स में उनके पास में पहुंच जाओगी। ये सुनो सूजन का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सूजन उसे क्राउन की तरफ भागने लगती है और उसके ऊपर अपने मुक्के से एक जोरदार अटैक करती है। लेकिन क्राउन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। क्राउन बड़ी आसानी से सूजन का अटैक डॉच करता है और सूजन से कहता है, तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन मेरे को मारने के लिए काफी नहीं है। सूजन सोचने लगती है, ये बहुत ज्यादा तेज है, इस तरह से इससे फाइट करना काफी मुश्किल होगा। क्राउन आगे कहता है, मैंने तुम्हें एक बात बताई, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूँ। ये वाला गाना केवल मैंने सुंदर लड़कियों के लिए बचा के रखा था जो कि अब तुम सुनने वाली हो। ये कहते हुए क्राउन अपने वायलिन को बजाना शुरू करता है। उसके साथ करते ही उसके पीछे से एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गोजे सा कुछ बाहर निकलता है। वो सीधे सूजन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। सूजन बिल्कुल भी घबराती नहीं है। सूजन कहती है, आ जाओ। जैसे ही वो भूत सूजन के पास से पहुंचता है, सूजन को स्किल यूज करती है और जोर से लाती है कॉम्बो स्पीड। सूजन ऐसा कहते हुए बहुत सारे कट्स उस भूत के ऊपर लगाती है और वो भूत कई सारे टुकड़ों में कट जाता है। क्राउन को सूजन के अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। क्राउन सोचने लगता है, इसके पास तो विंड अटैक की काफी ज्यादा अच्छी पावर है, इसकी पावर कम से कम लेवल 2 के ऊपर है। इसके अंदर सूजन वापस से क्राउन पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो जोर से चलती है और सीधे क्राउन के ऊपर आने लगती है। क्राउन सूजन को नीचे गिनता हुआ दिख रहा होता है, तभी एकदम से सूजन को स्किल यूज करती है और हवा में से गायब हो जाती है। क्राउन सोचने लगता है, ये चांस से काम गई। तभी सूजन एकदम से क्राउन के ठीक पीछे होती है। इससे पहले क्राउन को पता पड़ता वो उसके पीछे है। सूजन एक जोरदार मुक्का क्राउन के मुंह पे मारती है। सूजन का ये वाला मुक्का बिल्कुल सही तरह से पड़ता है। क्राउन उछल के काफी दूर जाकर गिर जाता है। सूजन अभी भी रुकती नहीं है। सूजन तुरंत अपना अगला अटैक करने की तैयारी करती है। वो जोर से लगती है, डांस ऑफ क्रेन। सूजन के इतना कहते ही सूजन के आसपास से एक लाइट निकलने लगती है। वो क्राउन अभी भी खुद की बॉडी को संभाल नहीं पाया होता है। तभी सूजन वापस से उस क्राउन की तरफ भागती है और जोर से लाती है, क्रेन पाल्म अटैक। यही कहते सूजन एक कांसर पंच उस क्राउन के पेट में मार देती है। क्राउन सीधे जाकर एक दीवार टकरा जाता है। उस दीवार में बहुत बुरी तरह से घुस जाता है। फिर सूजन फुल एटीट्यूड में क्राउन से कहती है, तुम कुछ कह रहे थे। यहाँ पे सूजन को लग रहा होता है क्राउन खत्म हो चुका है। सूजन डिसाइड करती है वो जल्दी से अपनी आंट सू और ग्रैंडपा ली के पास जाएगी और उनकी मदद करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो भी किसी किलर के साथ फाइट कर रहे हैं। यही सोचते हुए सूजन वहां से भागते हुए जाने लगती है। तभी धूल में से एक आवाज आती है, इतनी जल्दी क्या है, अभी मैं हारा नहीं हूँ। तुम विंड अटैक के सेकंड लेवल पर हो, इतना ही नहीं तुम्हारे पास मार्शल आर्ट का बहुत सारा नॉलेज और ग्रैंड लेवल की पावर है जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। लेकिन ये मैं समझो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैंने तुम्हें अब तक फाइट में जीतने दिया है इसलिए तुम अभी तक जीत पाई हो। मैं इस फाइट के अंदर थोड़ा पीछे हट के लड़ रहा था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, मैं तुम्हारे पर अटैक करना नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारी ज्यादा पावर ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर लिया है। अब मैंने डिसाइड किया है मैं तुम्हारी स्किन को अपने कलेक्शन में रखूंगा, भले ही अभी तुम्हारी डेथ हो जाएगी लेकिन मेरी कलेक्शन में तुम हमेशा जिंदा रहोगी। यही कहते हुए क्राउन कोई और स्किल यूज करने लगता है। क्राउन की उस स्किल के कारण हवा में बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाजें दिखाई देने लगती है। क्राउन आगे कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे कलेक्शन के अंदर तुम्हारी स्किन का होना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात होगी। मुझे केवल तुम्हारी स्किन की जरूरत है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्राउन ये सब कुछ बकवास कहते जाता है और अपनी स्किल को यूज करता जाता है। क्राउन के सामने एक पियानो कीबोर्ड से कुछ चला जाता है। क्राउन उस कीबोर्ड के एक बटन को दबाता है, उसका इस बटन को दबाना एक स्किल को एक्टिवेट करने जैसा होता है। क्राउन जोर चलाता है म्यूजिक चेन। क्राउन के इतना कहते ही वो आवाजें जो कि हवा में उड़ रही होती है उन्हीं के बीच में आवाज से बनी हुई चेन दिखाई देने लगती है। ये चेन बहुत ज्यादा रफ्तार में सूजन की तरफ बढ़ती है और सूजन इस चेन के अंदर बहुत बुरी तरह जकड़ जाती है। सूजन को खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिलता। सूजन चेन में जकड़ जाने के बाद में खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन चेन और ज्यादा तेजी से टाइट होने लगती है। क्राउन कहता है, बिल्कुल भी छूटने की कोशिश मत करो, जैसे जैसे तुम इस चेन को छोड़ने की कोशिश करोगी वैसे वैसे ये चेन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और तुम्हें और ज्यादा कस के पकड़ने लगेगी। मिस सूजन अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मर जाओ और स्वर्ग के अंदर जाकर आराम करो। ये कहते हुए क्राउन अपने उस कीबोर्ड का एक और बटन दबाता है। उसके साथ करते ही वहां पर एक स्केलेटन दिखाई देने लगता है। वो स्केलेटन सीधे सूजन की तरफ बढ़ता है। वो स्केलेटन काफी तेज तार में सूजन की तरफ बढ़ रहा होता है। सूजन उस स्केलेटन को देख रही होती है। वो सोचती है, ये घबराने का समय नहीं है, मुझे पता है मैं इस फाइट के अंदर जीत सकती हूँ।
अगर मैं अपने फुल फोर्स को यूज करूं और अपने पांचों एलिमेंट की पावर को केवल एक अटैक के अंदर लगा दूं, तो मैं इसको बड़ी सेंस से हरा सकती हूं। मुझे कैसे भी इस फाइट के अंदर जीतना है। इसके अंदर सुजन जोर से चलाती है विंड स्प्रिट थर्ड स्टेज। सुजन के इतना कहते ही सुजन की बॉडी के अंदर से कई सारी स्प्रिट वेव बाहर निकलने लगती है। उन स्प्रिट वेव के कारण एक ही झटके में वो चेन टूट जाती है। एक स्प्रिट वेव सीधे जाकर क्राउन के ऊपर अटैक कर देती है और क्राउन की उंगलियों के ऊपर कुछ कट लग जाते हैं। क्राउन जोर से चलाता है कि अचानक से क्या हुआ। इस लड़की का लेवल अभी विंड स्टेज के केवल लेवल 2 पे था और अभी एकदम से ये लेवल 3 पे पहुंच गई। आवागमन इतनी जल्दी हो गया। तभी सुजन वापस से क्राउन की तरफ भागने लगती है और चिल्ला कहती है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक किसी को भी नहीं मारा है, मैं तुम्हें मारकर अपना पहला मर्डर करूंगी। ये कहते हुए सुजन क्राउन की तरफ भागकर अपने फुल फोर्स से क्राउन के ऊपर एक जोर से मुक्का मारती है। क्राउन जल्दी से अपनी पावर को यूज करके अपने सामने एक साउंड बैरियर बना देता है। सुजन का मुक्का उस बैरियर पर रख के रुक जाता है। क्राउन जोर से चिल्लाता है, जल्दी से कोई एक्शन मुझे बचाओ, मैं केवल 3 सेकंड तक इस लड़की को रोक के रख सकता हूँ, उसके बाद में मेरा बैरियर टूट जाएगा। क्राउन ये चिल्ला ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी सुजन के ठीक पीछे खड़ा है। ये क्राउन से कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक लड़की से हार जाओगे। सुजन पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है। वो आदमी सुजन के ऊपर किसी तरह का अटैक कर देता है और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।